नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीख स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सीख स्टडी में हम करंट अफेयर व करंट इवेंट्स से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे चाइना की न्यू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। आखिर चाइना ने अपनी पुरानी चाइल्ड पॉलिसी को एक बार फिर से संशोधित क्यों किया है? ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक समय वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने वाला देश लगातार अपने चाइल्ड पॉलिसी को बदल रहा है? फ्रेंड, आज अपने देश में थ्री चाइल्ड पॉलिसी क्यों लागू कर रहा है चाइना, इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी क्या वजह रही होंगी कि चाइना को ऐसा स्टेप लेना पड़ेगा, जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बात करेंगे हम चाइना की न्यू चाइल्ड पॉलिसी के बारे में। चाइना की न्यू चाइल्ड पॉलिसी को समझने के लिए आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि चाइना ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो अभी तक फ्रेंड प्रोसेसिंग में थी, क्योंकि इसे कुछ महीने पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आगे एक और की आप देख सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है साफ साफ कि थ्री चाइल्ड पॉलिसी फॉर्मली पास्ड इन टू लॉ, कि ये जो पॉलिसी थी थ्री चाइल्ड की, इसको लॉ में बदल दिया गया है। इस पॉलिसी के लागू हो जाने से अब चाइनीज जो कपल हैं वो तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे। लेकिन पहले फ्रेंड ये पॉलिसी नहीं थी, केवल चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसे संशोधित किया गया 2016 में, और फिर टू चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया। लेकिन फ्रेंड उससे भी चाइनीज गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसने ये पॉलिसी लागू कर दी है फ्रेंड, थ्री चाइल्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी को नेशनल पीपल कांग्रेस ने फ्रेंड पारित कर दिया है, जो कि चाइना की विधायिका है, जैसे कि अपने देश की भारत। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं कि लगातार जो बर्थ रेट थी चाइना में, वो लगातार फ्रेंड गिरती जा रही थी, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने फैसला किया और फ्रेंड एक नया लॉ लेके आई है, जिसके तहत चाइनीज कपल अब तीन बच्चे पैदा कर सकेंगे। आगे देखेंगे और बात करेंगे। आपको पता होगा कि 1980 के दशक में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लाई गई थी, जिसकी मुख्य वजह चाइना में बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना था। जब यह पॉलिसी लाई गई 1979 में, तो फ्रेंड इसे 1980 में सख्त तरीके से लागू किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, उसे कंट्रोल करने में सहायता मिली। आप देख सकते हैं, और ये देखिए उस समय का ग्राफ कि कैसे 1960 के दशक में चाइना की पॉपुलेशन बढ़ रही थी कितनी तेज़ी से, ये आप देख सकते हैं येलो कलर का ग्राफ। लेकिन फिर आप देखेंगे कि ये 1980 के दशक में वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर गई चाइना में, और इसे इन्फोर्समेंट किया गया, जिसके बाद फ्रेंड आप देख सकते हैं कि ये लगातार डिक्लाइन होने लगी। आप देख सकते हैं ये ग्राफ, और ये 2017 तक का डाटा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे ये डिक्लाइन हो रही है। आगे देखेंगे और भी हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आप देख सकते हैं, आप देखें कि वन चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत चाइनीज कपल को एक बच्चा पैदा करने की अनुमति है, क्योंकि 1980 से पहले चाइनीज लगातार जनसंख्या बढ़ा रहे थे फ्रेंड, वो लोग काफ़ी बच्चे पैदा कर रहे थे। लेकिन फिर जनसंख्या कंट्रोल के उद्देश्य से 1979 में ये नियम लाया गया, और फिर इसे 1980 में लागू कर दिया गया। इसे किसका सपोर्ट मिला? तो आप देख सकते हैं उस समय के चाइनीज प्रेसिडेंट डेंग जियाओपिंग का, और चेन यून का, और ली जिनियान, इन सब का सपोर्ट मिला इस पॉलिसी को, और इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद से लगातार चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ थी फ्रेंड, उसमें कमी आती गई, आप देख सकते हैं, और इसका नुकसान भी चाइना को उठाना पड़ा। लगातार बर्थ रेट कम होती रही, जिसकी वजह से आज चाइना की जो पॉपुलेशन थी वो लगातार बूढ़ी होती जा रही है, और भविष्य में चलकर कुछ ही वर्षों में यह बूढ़ी हो जाएगी और वहाँ पर युवाओं की कमी हो जाएगी, जिसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा चाइना को। इसकी वजह से फ्रेंड ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई है, थ्री चाइल्ड पॉलिसी। अगर बात करेंगे इससे होने वाले नुकसान की, तो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइल्ड बर्थ रेट में भी शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप चाइनीज गवर्नमेंट ने लगभग 36 वर्षों के बाद 2016 में इस पॉलिसी में संशोधन किया, और नई जो चाइल्ड पॉलिसी लाई उसके अंतर्गत दो बच्चे पैदा करने का अधिकार मिला चाइनीज कपल को। इसे कहा गया टू चाइल्ड पॉलिसी। लेकिन इस पॉलिसी से भी फ्रेंड कोई फायदा नहीं हुआ चाइना को, जिसके बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने एक और संशोधन किया इस पॉलिसी में। अब उसने 2021 में
थ्री चाइल्ड पॉलिसी लागू करने का फैसला किया गया है और इसे लागू कर दिया गया है वहाँ की विधायिका के द्वारा। अब ये ला बन गई है फ्रेंड, अब चाइनीज कपल स्वतंत्र होंगे 3 बच्चे पैदा करने के लिए, आप देख सकते हैं। आप ये ग्राफ देख सकते हैं बर्थ रेट का जो कि चाइना का है, और आप देख सकते हैं इसे रेड कलर से शो किया गया। आप देख सकते हैं ये 1979 से पहले इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी आप देख सकते हैं, लेकिन जब वन चाइल्ड पॉलिसी आई तो फ्रेंड इसमें लगातार क्या हुई, कमी होती गई है। आप देख सकते हैं रेड कलर से शो किया गया और ये लगातार घटती रही और ये आके पहुँच गई सिर्फ 12.43 पर, जिसकी वजह से फ्रेंड चाइना को काफ़ी नुकसान होगा भविष्य में। इस लगातार घटती युवाओं की संख्या से चाइना को बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि चाइना की पॉपुलेशन जो तेज़ी से बूढ़ी हो रही है और उसको आगे चलकर बहुत सारे दुष्कर परिणाम भी झेलने पड़ सकते हैं, तो इन्हीं सब को देखते हुए चाइनीज गवर्नमेंट लगातार अब ये चाइल्ड पॉलिसी को संशोधित कर रही है, और उसने एक बार फिर से अपनी चाइल्ड पॉलिसी को संशोधित किया गया। उसे डर है कि अगर उसकी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी तो फ्रेंड उसके देश में युवाओं की कमी हो जाएगी, और जिस देश में युवाओं की कमी हो जाती है फ्रेंड उसे बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, इकोनॉमी से लेके हर चीज़ के लिए नुकसान। इंडस्ट्री जितनी भी होती है वो सब युवा चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आप जानते होंगे, तो इन सब नुकसानों की वजह से चाइना को डर है। और साथ ही साथ चाइना आप जानते हैं वर्ल्ड में प्रोडक्शन हाउस है हर चीज़ का, तो फ्रेंड अगर इसके प्रोडक्शन में कमी आ गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। चाइनीज इंडस्ट्री इस समय बूस्ट पर थी आप जानते हैं, और ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती हैं, इनके बराबर कोई भी कंट्री देश में प्रोडक्शन नहीं कर पाती है। आगे बात करेंगे, एक और ग्राफ आप देख सकते हैं जिसमें कि बताया गया है चाइना की बर्थ रेट के बारे में और डेथ रेट के बारे में, जिसमें कि आप देख सकते हैं लगातार घट रही हैं दोनों, बर्थ रेट भी लगातार घटती जा रही है और आप देख सकते हैं इसमें भी फॉल आया था लेकिन ये फिर इंक्रीज हुआ थोड़ा, आप देख सकते हैं डेथ का जो ग्राफ है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं दोनों में अंतर। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इस पॉलिसी के चेंज करने क्यों किया गया, आखिर क्या वजह थी कि इसे चेंज करना पड़ा, तो आप देख सकते हैं कि ये पॉपुलेशन जो लगातार थी ये लगातार फ्रेंड बूढ़ी हो रही थी और इनको ऐसा डर था कि इनकी पॉपुलेशन बूढ़ी होने की वजह से इनको बहुत सारे नुकसान हो गए आप देख सकते हैं आगे फिर। और वन चाइल्ड पॉलिसी लगने की वजह से चाइना ने सोचा था जितना ज़्यादा उसे नुकसान होगा उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो युवाओं की संख्या है लगातार घट रही है और जनसंख्या बूढ़ी हो रही है। अगर इस पॉलिसी को चेंज ना किया जाता तो हो सकता है भविष्य में इनके पास जो वर्कर चाहिए काम के लिए वो नहीं होते, क्योंकि बूढ़ी आबादी से आप ज़्यादा वर्क नहीं करा सकते हैं, ज़्यादा वर्क कराने के लिए आपको युवा लोग चाहिए। अगर आपकी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी तो फ्रेंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, वो वर्क नहीं कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वो हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करता है और कंट्री ऐसा नहीं कर पाते हैं, जबकि इंडिया में युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन फिर भी इंडिया पीछे है चाइना से प्रोडक्शन में। इसकी वजह है वहाँ पे इंडस्ट्री जो है बहुत ही अच्छे से सेटअप की गई है और युवा उसे अच्छी तरीके से चला भी रहे, लेकिन अगर यही हाल रहा वहाँ पे युवाओं की कमी हो गई तो भविष्य में ये इंडस्ट्री ठप पड़ सकती है, जिसका नुकसान चाइना को उठाना पड़ सकता है अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए। तो इसी से चाइनीज गवर्नमेंट ने सबक लेते हुए ये पॉलिसी लाने का फैसला किया गया। आगे और बात करते हैं तो देखते हैं आगे क्या है, तो आप देख सकते हैं इस समय चाइना की जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे एज वाइज डिवाइड किया गया है कि कितनी पॉपुलेशन किस एज की है, तो आप देख सकते हैं ये जो आप देख सकते हैं येलो कलर से ये 0 से 14 वर्ष तक के पॉपुलेशन को शो कर रहा है, आप देख सकते हैं ये जो है ब्लू कलर से ये फ्रेंड शो कर रहा है किसको 15 से 64, और ये जो रेड कलर से है ये 65+ एज वालों को शो कर रहा है, तो आप देख सकते हैं लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही बूढ़ी होती हुई ये ग्राफ, और इधर लगातार जो थी बर्थ रेट घटने की वजह से जो यू छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी जनसंख्या में कमी हुई है। आगे देखेंगे अगर आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि अगर ऑफिशियल की माना जाए जो चाइनीज ऑफिशियल है
उनके अनुसार पिछले 36 वर्षों में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू हो जाने की वजह से लगभग 400 मिलियन बर्थ को कंट्रोल किया गया है। 400 मिलियन, लगभग 4 करोड़, 40 करोड़। ये फ्रेंड, लेकिन गवर्नमेंट ने तो इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया फ्रेंड, इस पॉलिसी को लॉन्च कर दिया है कि 3 चाइल्ड पॉलिसी को। लेकिन क्या वहाँ के लोग इससे इंटरेस्टेड हैं? तो फ्रेंड वहाँ के लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, वो अधिक बच्चे नहीं पैदा करने चाहते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो इससे बचना चाहते हैं। तो इसका मुख्य कारण है चाइना में लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार के अवसर भी लगातार कम हो रहे हैं। बच्चों के पालन पोषण में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और एजुकेशन भी दिन पे दिन महंगी होती जा रही, जिसकी वजह से चाइनीज कपल इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उन पर ही साथ ही साथ अपने माता पिता की भी जिम्मेदारी है, जो कि चाइना की एक बूढ़ी होती पॉपुलेशन का हिस्सा है, जिसको कारण वह ज़्यादा बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से जो चाइनीज कपल है वो इंटरेस्टेड नहीं है इन सब में, आप देख सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को लॉन्च किया है और आशा की है कि ये वर्क करेगी और चाइनीज इस पॉलिसी में अच्छा रोल प्ले करेंगे, लेकिन क्या होता है ये तो बाद ही में पता चलेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सुविधाएं भी देने का फैसला किया है, आप देख सकते हैं उन्होंने कई सारे जो सुविधाएं हैं देने का डिसीजन लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें बताया गया है कि चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कि नई पॉलिसी के अंतर्गत वह बच्चों के पालन पोषण और उनकी शिक्षा का खर्च कम करने के साथ ही परिवार का बोझ कम करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट, टैक्स और इंश्योरेंस और साथ ही साथ शिक्षा व आवास के अलावा भी रोजगार संबंधी सहयोग प्रदान करेगी अगर इस पॉलिसी को चाइनीज जो कपल हैं अपनाते हैं। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि चाइनीज कितने इंटरेस्टेड हैं कपल इसमें, आपको देखना होगा। और साथ ही साथ फ्रेंड क्या ये चाइनीज गवर्नमेंट के लिए फायदेमंद होगी, ये सब आने वाले कुछ वर्षों में पता चलेगा। लेकिन अभी तो चाइना ने जब 2015 में अपनी चाइल्ड पॉलिसी को संशोधित किया गया था, वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा के वो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, तो फ्रेंड उसको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिला था, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं फ्रेंड आज के समय में काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो गए और वो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने लगे हैं। तो फ्रेंड उस लाइफ स्टाइल में खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है और चाइना लगातार डेवलप होता जा रहा, जिसकी वजह से वहाँ पे लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार के भी संसाधन कम होने लगे हैं। तो इस वजह से चाइनीज इंटरेस्टेड नहीं है कि वह और ज़्यादा बच्चों का बोझ उठाएं, क्योंकि उन पर और भी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से लगता नहीं है कि ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने वाली है। और बात की जाए इस पॉलिसी के नहीं सक्सेस होने की एक वजह भी है कि चाइनीज आज एजुकेटेड हो चुके हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड आप जानते हैं एजुकेटेड जो भी होते हैं व्यक्ति वो कम इंटरेस्टेड होते हैं, कि वो जानते हैं कि कैसे इनका पालन पोषण करना है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। इस वजह से इस पॉलिसी से चाइना को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो ऐसा करने वाले चाइनीज कपल को सुविधाएं भी प्रदान करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में 3 चाइल्ड पॉलिसी के बारे में बताया गया और साथ ही साथ यह भी पता लग गया होगा कि गवर्नमेंट तो चाहती है कि चाइनीज कपल अधिक से अधिक बच्चे पैदा करें, लेकिन चाइनीज कपल क्यों नहीं इंटरेस्टेड है इसके बारे में। तो फ्रेंड दोनों चीज़ आपको पता लग गई होगी, ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, लेकिन उससे पहले फ्रेंड आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ऐसा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।